लेकर हम सब करें विचार, करने का इसका गंगा का फिर कैसे करते हम फिर किए जाएंगे। लेकिन अभी ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच उपस्थित रही है आज इंटरनेशनल वाटर डे, पूरी दुनिया आज इस जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। इस अवसर पर हम दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिए जुटे हैं। आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब ये जो मुद्दा हम लोग बात कर रहे हैं ये ना कॉन्फ्रेंसेस से ऊपर उठ गया है, अब ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। पानी बिल्कुल नहीं है तो आज जो हम मिलने लगे हैं, बैठने लगे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी मेंबर्स से, सभी काउंसलर्स से, सभी लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं कि इसको कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स के मुद्दे से ऊपर उठा लीजिए। ये हमारी जिंदगी को रोजमर्रा अफेक्ट कर रहा है। आप खाना खाने चलते हैं तो पानी खत्म हो गया, आपको गाड़ी धोनी है तो पानी नहीं है, ठीक है। गर्मियां आएंगी, आई एम श्योर उधमपुर में भी वही हिसाब होता होगा, वही त्राही होती होगी जो सब जगह होती है। सरपंचस को लोग परेशान करते होंगे, काउंसलर्स के घर पे जाके बैठ जाते होंगे, जी पानी लाओ, आप जी पीएचसी को बोलो पानी लाए, काउंसलर कहां से लाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि आज अपने मन की बात करने बैठे हैं आप लोग, और मन की बात ये है कि जुलाई और अगस्त में बारिश आने वाली है, तैयारी के लिए कितने महीने हैं? 2 महीने रह गए। इस साल 2021 की जो बारिश उधमपुर पे पड़ने वाली है वो बारिश आपको अगले साल जून में काम आनी चाहिए। द रेन इनिशिएटिव शुरू किया है और ये जल शक्ति विभाग ने दिल्ली से लाइव प्रोग्राम चला जो उधमपुर की सारे ब्लॉक्स में ग्राम सभा की शक्ल में सुनाया गया। यही आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे म्यूनसिपल कमेटी के काउंसिल के लोग, हमारे बीडीसी और डीडीसी, सरपंचस भी थे, हम सब ने मिलकर ये बात सोची कि ये जो हमारा इस समय का 2021 की बारिश है इसको हम कैसे पकड़ेंगे। इसी मुद्दे पर आज बहुत अच्छे ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग घर के माहौल में बैठे हैं और लोगों ने अपनी चिंता जताई और सोल्यूशन भी दिया। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, बहुत अच्छा मेंबर्स ने, डीडीसी मेंबर्स ने, चेयरमैन्स, बोथ द चेयरमैन्स भैया, उन्होंने सोल्यूशंस भी साथ साथ दिए। सो अब हमारी मेरी कोशिश ये है थोड़ा प्लान तरीके से चलेंगे। सबसे पहले मैं वर्कशॉप करूँगी अगले एक हफ्ते में जिसमें मैं अच्छे एक्सपर्ट्स पूरे देश से, एक दो अच्छे एक्सपर्ट्स लाने वाली हूँ जो जिनकी मदद से मैं अपने मिस्त्रियों को और मजदूरों को, जो मिस्त्री है, जो स्किल्ड है, उसको मैं पानी बचाने के तरीके सिखाने वाली हूँ। एक बंदे को आता हो, दो को आता हो, दूर दराज नहीं पहुँच सकता और उधमपुर आपको पता है कितना फैला हुआ है, तो हम 50 ऐसे मिस्त्री तैयार करेंगे जिनको पानी बचाने की तकनीक आती होगी और उनको हम फिर गांव-गांव भेजेंगे।